सिंगरौली नगर पालिका निगम की बैठक में जोरदार हंगामे के बाद नगर पालिका निगम कार्यालय के सामने महापौर रानी अग्रवाल और एमआईसी मेंबर धरने पर बैठ गए। यहां भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रस्ताव पास हो, इसलिए परिषद की बैठक में जमकर हंगामा किया गया। सिंगरौली नगर पालिका निगम की बैठक में हंगामे के बाद नगर निगम महापौर रानी अग्रवाल और एमआईसी मेंबर धरने पर बैठ गए। कुछ महीने पूर्व नगर पालिका निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल विजय हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी के सहयोग से ही भाजपा ने नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे को बनाया था, लेकिन दोनों के बीच इस समय अपने अपने एजेंडा को लेकर खींचतान मची हुई है। भाजपा नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी का प्रस्ताव पास हो। भाजपा कह रही है कि बाजार बैठकी समाप्त करने जैसे निर्णय लेने के लिए नगर निगम एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पूर्व कई वादे किए थे, जिसमें से एक वादा छोटे मोटे व्यापारियों के लिए उनकी मुसीबत कम करने के लिए बाजार बैठकी को खत्म करना था। बाजार बैठकी नहीं लेने का प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की महापौर ने रखा, जिस पर ये हंगामा हुआ, और भाजपा के नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने महापौर रानी अग्रवाल के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। जनता ही बनाती है और एक्ट ही हम लोग खत्म करते हैं। जनहित का मुद्दा है तो जनहित के मुद्दे में हम लोग, अगर पब्लिक ने मुझे जनहित के लिए यहाँ पे बैठाया है महापौर बना के, तो जनहित के मुद्दे को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगी इस नगर निगम में। यही हमारी बातें, बैठकी की बातें परिषद में लाई नहीं जा रही है। उसी बात से लोग नाराज हो गए, उसी बात से महापौर हमारी नाराज है। लोग जबरदस्ती करके नहीं छोड़ रहे हैं, वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।